सवालों के घेरे में एक बार फिर पुलिस बेगुनाह को ही बना दिया ट्रैक्टर चोर। उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने के भले ही लाख दावे किए जाते रहे लेकिन पुलिस सुधरती ही नहीं। ऐसा ही कारनामा मथुरा पुलिस ने किया, जहां जबरन बेगुनाह को हिरासत में ले लिया और उसे खरीदे हुए दो ट्रैक्टरों को उसी पर चोरी का इल्जाम लगाकर ले आए। भला कहीं सुना है आपने कि आप खुद के ही ट्रैक्टर को चोरी करके अपने घर में रखें? लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहां की पुलिस कुछ भी कर सकती है, जिसके लिए पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आरोपी इंस्पेक्टर और उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार कोई भी हो, लेकिन पीड़ित को इंसाफ शायद किताबों और कहानियों में ही मिलता है। असल जिंदगी में तो उसे सिर्फ धक्के ही मिलते हैं, और अगर जुर्म पुलिस ने किया हो तो इंसाफ मिलने की उम्मीद भी करना शायद बेईमानी होगी। बता दें कि पुलिस की खुली लूट का सबूत मिलने के बावजूद भी अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला तब का है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। ये घटना 2 फरवरी 2017 की है, जिसे अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर उदय प्रताप ने वर्दी के रूप में दे दिया। दरअसल मामला पुलिस की छापेमार कार्रवाई से जुड़ा है। उदय प्रताप 2 फरवरी 2017 को थाना बरसाना इलाके के गांव भरना कला में पीड़ित देवकी के घर रात के समय अचानक पहुंच जाते हैं और ट्रैक्टर चोरी के आरोप में दो लोगों को हिरासत में ले लेते हैं। बरामदगी के तौर पर दो ट्रैक्टर और ट्रॉली व 1 लाख रुपए लेकर थाने पहुंचते हैं, लेकिन जिन ट्रैक्टर को उत्तर प्रदेश के काबिल पुलिस इंस्पेक्टर वहां से बरामद करके लाए थे वो उन्हीं लोगों के, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर आई थी। उन लोगों के लाख समझाने के बाद भी पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें छोड़ने के एवज में लाखों रुपए की डिमांड कर डाली। जैसे तैसे हिरासत में लिए लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन उनके ट्रैक्टर को पुलिस ने नहीं छोड़ा। पीड़ित ने उसी वक्त आला अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाई तो कोतवाल साहब ने उन दोनों ट्रैक्टरों को रातों रात कैद कर लिया। बावजूद इसके पीड़ित ने हिम्मत नहीं हारी, वो न्यायालय के आदेश की कॉपी लेकर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के यहाँ चक्कर लगाता रहा और फिर न्यायालय के आदेश पर आईजी आगरा रेंज द्वारा मामले की कोर्ट के आदेश के करीब 15 दिन बाद दोषी इंस्पेक्टर उदय प्रताप के और अन्य 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इसमें भी जिन धाराओं में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।